हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेस के ढेर सारे कलेक्शन दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लू वाला दिखा रही हूँ, जो मैंने ऐसे 5 बंडल ख़रीदे हैं। देखिए, एक एकदम डार्क ब्लू में है, नेवी ब्लू होता है वैसा नहीं है, थोड़ा सा फिरोजी कलर में डार्क है, और एक फिरोजी कलर में थोड़ा ग्रीनिश टाइप में हल्का, मतलब ब्लू और ग्रीन मिक्स थोड़ा ऐसे ही है कलर। ऐसे मैंने 5 बंडल लिए हैं, तो 2 को मैंने खोल के रख लिया है और ये मैंने 3 बंडल खोले ही नहीं है, क्योंकि जब भी आप लेते हैं तो एक बार खोल के देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे ये पता चल जाएगा कि कितना है, क्योंकि बेचने वाले तो ये भी बोल देते हैं कि इतना है उतना है, लेकिन आप हमेशा माप के लें वो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे मैंने 5 बंडल लिए थे और 2 मैंने खोल के देखे, और इसमें 18-18 मीटर है। और ये देखिए, मैंने गोल्डन वाला लेस लिया है, जो कि जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं उसके ब्लाउज़ पे लगाने के लिए, क्योंकि इस पर ज़्यादा मोती वाला लेस अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए मैंने थोड़ा गोल्डन वाला लिया है। ये भी गोल्डन वाला लेस है जो मैंने दूसरा लिया है, लेकिन ये थोड़ा वुलन, इसमें थोड़ा सा वुलन का काम है, बहुत प्यारा लगता है ये भी लगाने के बाद, क्योंकि ऐसी सेम टू सेम मेरे पास एक सूट में लगा हुआ है, इसलिए मैंने ये देखा तो मुझे पसंद आया और मैंने ये अपने लिए ले लिया। और मैं भी आपको देखिए ये वाला सिल्वर वाला लेस दिखाती हूँ। सिल्वर कलर मुझे बहुत पसंद है, गोल्डन से ज़्यादा पसंद है सिल्वर कलर। और ये सेम पैटर्न मैंने 4 कलर लिए हैं। पहला मैं आपको सिल्वर दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा लगता है प्लेन साड़ियों पे, एकदम ही खिल के आता है। इसका इस पतले लेस का ज़्यादातर इस्तेमाल ब्लाउज़ में पैटर्न करने के लिए, लेस पैटर्न करने के लिए, सूट में पैटर्न करने के लिए, आप डेकोरेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही सेम पैटर्न में मैंने 4 कलर लिया, जैसा मैंने आपको भी बताया था। इसमें का ये गोल्डन वाला है और ये सेम टू सेम सेम पैटर्न है, थोड़ा भी इसमें मतलब अलग नहीं है। और देखिए, मैं आपको इस पर रख के दिखाती हूँ, देखिए कितना खिल के उठता है ये प्लेन में। और ब्लाउज़ पे आप इसका पैटर्न करते हैं और लेस वाला तो बहुत सुंदर लगता है। मैं आपको इसका पैटर्न भी करके दिखाऊंगी, पर आज मैं बहुत सारा लेस ख़रीद के लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ, इसलिए मैं आपको इसका पिक भी दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ये थोड़ा अलग पैटर्न है, मतलब गोल्डन से थोड़ा डार्क में है ये। और मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको सिल्वर वाला दिखाया, इसमें कि 4 कलर है मेरे पास। देखिए, एक गोल्डन, और एक गोल्डन से थोड़ा डार्क, एक ये सिल्वर, और एक कॉपर भी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये 3, और ये रहा कॉपर, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लाउज़ आजकल आ रहे हैं वो लेस वाले आते हैं, उनमें कॉपर काम होता है, किसी में सिल्वर होता है, किसी में थोड़ा सिल्वर डार्क गोल्डन होता है, तो ये बहुत अच्छे से काम आ जाते हैं ये लेस उनमें डिज़ाइन करने में। और कभी कभी साड़ियों में भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं लेस लगाने का, जैसे चौड़ी लेस लाओ तो उसके ऊपर आप ये पतला वाला ऐसे लगा सकते हैं इसके साइड में। और ये जो दूसरा वाला लेस है, ये गोल्डन से थोड़ा डार्क है, कलर तो सेम है लेकिन थोड़ा सा इसका पैटर्न थोड़ा अलग है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इन लेसों की एक खासियत है, आप इसे जिस शेप में मोड़ना चाहे उस शेप में मोड़ के इसको आप लगा सकते हैं। और एक ये वाला जो लेस है, ये भी बहुत अच्छा लगता है, इसका आप डोरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साड़ियों पे बॉर्डर पे भी लगा सकते हैं, ब्लाउज़ में भी आप इसका पैटर्न करने में यूज़ कर सकते हैं। और एक इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप इसको जिस शेप में मोड़ना चाहते हैं बहुत इजीली मुड़ जाता है, कहीं झोल नहीं आता, और उसमें मशीन भी बहुत आसानी से चल जाती है। जैसे कुछ लेसों में, जैसे मैंने आपको शुरुआत में जो ब्लू दिखाया, उसमें आपको सुई चेंज करना पड़ता है, लेकिन इनमें नहीं चेंज करना पड़ता। और जैसा ये गोल्डन, मतलब गोल्डन से डार्क जो कलर है थोड़ा, वैसे मिलता जुलता ये भी लेस है, लेकिन ये थोड़ा पतला है, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल डोरी में किया जाता है। और ये थोड़ा यूनिक कलर है, मतलब ये मेहंदी से थोड़ा डार्क कलर है, मेहंदी कलर का जो कलर होता है उससे थोड़ा डार्क कलर है पाउडर से, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे ले लिया। और ये देखिए, ये गोल्डन पट्टी वाला है लेस है, और इसका इस्तेमाल ज़्यादा करके साड़ियों का जो बॉर्डर होता है लेस का, उसमें लगाने के लिए करते हैं, दुपट्टे वगैरह में आप इसको लगा सकते हो, इवन आप कोई भी थोड़ा डेकोरेशन का कोई चीज़ बनाते हो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए ये लेस को कितना भी अगर आप इसको धोएंगे तो भी इसका मतलब शाइन नहीं जाता है,
मैंने बहुत इस्तेमाल किया है ये लेस, और इसलिए मैं इस बार मैं ये लेस सबसे ज़्यादा ख़रीद के लाई हूँ। 50 मीटर मैंने लिया है। और ये देखिए, जो मैंने आपको शुरू में जो चार एक कलर के लेस दिखाए थे, सिल्वर, कॉपर, गोल्डन, गोल्डन से थोड़ा डार्क कलर का, उसी में का ये उससे पतला वाला लेस है। इसका ब्लाउज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे आपने ब्लाउज़ पे कंट्रास्ट में कोई डिज़ाइन किया है तो उसके ऊपर आप इसे बॉर्डर पे इस अगर ये पतला वाला लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं आपको इसको करके भी दिखाती हूँ, थोड़ा रख के कि कितना मोटा पतला है ये। देखिए जो पहले मैंने दिखाया था उससे ये आधा है, मतलब उससे आधा उसका साइज़ कम कर दीजिए, उतना है ये। और ये इससे आसानी से पैटर्न बन जाता है, इसको एक ही बार सिलाई लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके पहले वाले लेसों में अगर दो बार आपको सिलाई लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या एक साइड लगाएंगे तो वो उड़ जाएगा। और ये देखिए सिल्वर वाला, ये लेस आप सिर्फ सीधा सीधा लगा सकते हैं या आप इसको चौकोन पे कॉर्नर बना के आप इसको शेप दे सकते हैं। ये इजीली नहीं मुड़ता क्योंकि इसमें ये ज़रा भी स्ट्रेच नहीं होता, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मैं जैसे कुछ डेकोरेशन का सामान बनाती हूँ तो उसमें मैं ये आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ भी चीज़ बनाती हूँ डेकोरेटिव, तो उसमें मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। और ये मेरा सबसे फेवरेट लेस है। इसका कलर बहुत प्यारा है और ये वॉशेबल है, इसको आप ब्रश भी मार देंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगा। मुझे याद है 1990 में जो मतलब हमारी मम्मी वगैरह साड़ियाँ पहनती थी, बुआ वगैरह, उनमें ये प्लेन साड़ियों में लेके लेस लगाती थी, और ये सब में चल जाता है। जैसे कुशन बनाओ उसमें भी आप लगा सकते हो, और पहले एक पैरेलल पैंट चलता था उसमें अक्सर ये लगा हुआ होता था। तो ये मुझे दिखा तो मैं बहुत सारा ले आई, क्योंकि मैंने भी सोचा है मैं इसे एक सी साड़ी में लगाऊंगी। और ये देखिए ये जो मरून और गोल्डन वाला जो लेस है, ये मरून भी कलर नहीं है, थोड़ा उससे लाइट है, लेकिन ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। कल मतलब इसका जो डिज़ाइन था और प्लस इसका कलर इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने इसे ले लिया। अभी तक मुझे भी नहीं पता मैं इसका क्या करूँगी, बट मैंने ले लिया, कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल इसका कर ही लेंगे, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये है गोटा पट्टी वाला लेस, इसका मैंने अभी मैं आपको दिखाऊंगी किसके पिक। मैंने इसके बहुत सारे रिंग बना के अपने मतलब जो घर के वॉल है उसको डेकोरेट किया था दिवाली के समय, और मैं फिर से ये ले आई हूँ। मुझे फिर से इससे कुछ बनाना है। इसका ब्लाउज़ में भी इस्तेमाल होता है, साड़ियों में भी इस्तेमाल हो जाता है, और आप इसको ऐसे डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए ऑफ वाइट में मैं एक ये लेस लाई हूँ, ये सूटों में नहीं लगता है, ये जैकेट वगैरह बना लो तो उसमें लग जाता है, पर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कुशन वगैरह में, पर्दे में ही होता है। मतलब आप इसे साड़ी वगैरह में नहीं लगा सकते, कुशन में, पर्दे में, कभी कभी डिज़ाइनर बेडशीट होते हैं उसमें भी ये लग जाता है। तो मुझे एक दो तीन पर्दे बनाने थे इसलिए मुझे ये दिख गया तो मैंने इसे ले लिया, और बहुत ही सस्ता था। और ये देखिए ऐसी सेम टू सेम मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है लेस, और ये मतलब ये फैब्रिक पे बना हुआ होता है, इसे पट्टे से लोग काट के देते हैं, ये प्रॉपर एक लेस नहीं था, एक फैब्रिक थी उसमें से लोग काट के दे रहे थे, क्योंकि मतलब 6-6 मीटर की मतलब लाइन थी, तो आप उस अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए उतना आप काट के उनसे ले सकते हैं, मीटर के हिसाब से वो ले रहे थे, एक लाइन का इतना है, एक लाइन का उतना है। तो मैंने एक साड़ी भर का निकाल लिया। और जो गोल्डन वाला लेस मैं आपको बता रही थी पहले कि वॉशेबल है, इसकी शाइन नहीं जाती, वो वाला देखो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं इधर पे कॉर्नर पे। और आप कौन से भी जैसे रेड पे, ब्लैक पे भी, देखिए मैं आपको ब्लैक पे रख के दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ब्लैक प्लेन साड़ी पे भी आप लगा सकते हैं, रेड बॉर्ड पे चले जाता है साड़ी कलर, कलरों पे, येलो पे भी लगा सकते हैं, इवन आप प्रिंटेड साड़ी में भी लगा सकते हैं, फ्लोरल प्रिंटेड साड़ियाँ होती हैं उस पर भी लगा सकते हैं इस तरीके से लेस। और एक देखिए ये वाला, मुझसे किसी ने स्पेशली मंगाया था, क्योंकि ऐसा पहले भी मैंने एक बार लेस लाई थी मैं और वो बिक गया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये थोड़ा पहले वाले से थोड़ा सा अलग है कलर में, थोड़ा सा बाकी सेम है, और ये किसी ने मुझसे मंगाया है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप इसमें जो सबसे कम कलर हो उस कलर की साड़ी पर आप लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए लेस के बहुत सारे, ये तो जो मैं आज लाई हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास ऐसे लेस के बहुत सारे कलेक्शन हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए बाय बाय।